हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं टेक ना हेमंत। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप यूज करते हैं ब्रोकरेज अकाउंट जिरोधा को, ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कितना आपको चार्जेस लगता है, कितना हिडन चार्जेस लगता है। इसमें इस वीडियो में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि यहाँ पर अगर आप इंटरडे करते हैं तो आपको पर ट्रेड 20 रुपीज़ या फिर 0.03% देना होता है, और यहाँ पर अगर आप डिलीवरी लेते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 0 ब्रोकरेज देना होता है। यस, ये करेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो कि हमको नॉर्मली पता नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ब्रोकरेज की बात करते हैं लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से हिडन चार्जेस हमको देने होते हैं, और जो आपके हिडन चार्जेस होते हैं, जो आपका ब्रोकरेज है, उससे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन कर लिया हुआ है जिरोधा का वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ चार्जेस वाला पेज मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री इक्विटी डिलीवरी। यहाँ पर अगर आप इक्विटी की डिलीवरी लेते हैं, डिलीवरी का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी आपने रुपए लगाया हुआ है उसका, सभी का आपने स्टॉक्स को खरीद लिया है, ठीक है, कोई भी मार्जिन यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो उसको हम डिलीवरी बोलते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 रुपये लग रहा है। तो यहाँ पर देखने से हमको ऐसा लगता है कि हमारा जब हमने स्टॉक्स को बाई किया तो हमको केवल 0 रुपये देना पड़ा, मतलब कुछ भी रुपये नहीं देना पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। और उसके साथ हिडन चार्जेस भी बहुत सारे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। अब ये हो गया, अब यहाँ पर आते हैं इंट्राडे, और अगर आप इंट्राडे और एफ एंड ओ करते हैं तो आपका ब्रोकरेज, जो आपका ब्रोकरेज है, जो कि आपका जिरोधा कंपनी है, वो कितना चार्ज करेगी, 20 रुपीज़ चार्ज करेगी पर ट्रेड पर, मतलब कि पर ऑर्डर पर। जैसे कि हम बाई करते हैं तो एक ऑर्डर हो गया, जो स्टॉक हमने बाई किया वो एक ऑर्डर हो गया, उसी स्टॉक को हम सेल करेंगे तो वो दूसरा ऑर्डर माना जाएगा। ये कॉम्बिनेशन नहीं है कि आपको 20 रुपये देना होगा बाई का और 20 रुपये सेल का भी देना होगा, ठीक है, या फिर आपका 0.03%, जो भी आपका लोअर होगा 20 रुपये, या फिर 0.03% में जो भी लोअर होगा वो आपको देना पड़ेगा, दोनों साइड, बाई साइड में भी और सेल साइड में भी। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड में भी 0 है, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं अदर चार्जेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इक्विटी क्या हो गया, करेंसी का चेक करना चाहते हैं तो करेंसी का चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोकरेज की हम लोगों ने बात कर ही ली है कि यहाँ पर अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको 0 देना होगा, लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हैं तो ये आपको पर ट्रेड पर आपको ऑर्डर 20 रुपीज़ या 0.03, जो भी आपका लेस है, लोअर है, वो आपको देना होगा, ठीक है। तो ये ब्रोकरेज की है जो कि हम लोग हाईलाइट करते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं, सभी ब्रोकरेज कंपनियां बोलते हैं कि डिलीवरी के लिए 0 और ये सब चीज़ें। लेकिन उसके बाद अब कौन कौन से चार्जेज आते हैं ये देख लेते हैं। ये दिया हुआ STT एंड CGT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये देख सकते हैं कि आपको अगर डिलीवरी लेते हैं तो 0.1% ऑन बाई एंड सेल, यहाँ पर आपको दोनों साइड 0.1% आपको STT देना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ेगा 0.1% बाई साइड में भी और सेल साइड में भी। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आपको केवल सेल साइड में देना होता है, और वो भी 0.025%, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NSE और BSE में आपको देना पड़ेगा 0.00345%, और इसमें भी आपका इंट्राडे में भी सेम है, ठीक है। और देख सकते हैं नीचे आएंगे तो GST, आपको GST भी देना होगा, वो भी कितना, 18%। वो किसका 18%, जो आपने ब्रोकरेज दिया हुआ है प्लस का ट्रांजेक्शन चार्जेस दिया हुआ है। ये आपका ब्रोकरेज हो गया प्लस का ये ट्रांजेक्शन चार्जेस, इन तीनों का मिला के जितना भी रुपया होगा उसका 18% आपको GST देना होगा, ठीक है, दोनों कैटेगरी में। और यहाँ पर सेवी के चार्जेस भी होते हैं, तो आपको 1 करोड़ पर आपको 10 रुपये देना होगा सेवी का चार्जेस, ठीक है। और यहाँ पर स्टाम्प चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर आपका 0.015% और 1 करोड़ पर आपको 1500 रुपये यहाँ पर देना होगा डिलीवरी में, और 1 करोड़ पर 300 रुपये यहाँ पर देना होगा, ठीक है, इंट्राडे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका ब्रोकरेज हो गया जो कि हमको पता होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं, जैसे कि STT, CGT, ट्रांजेक्शन चार्जेस, GST हो गया, सेवी चार्जेस, ये स्टाम्प चार्जेस हो गए। ये सारे चार्जेस जिरोधा के पास नहीं जाते हैं, बल्कि ये अलग अलग चार्जेज आते हैं, जैसे कि सेवी का चार्ज है, GST फिल करना होता है, ये सब चीज़ें फिल करना होता है, तो ये हम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये चार्जेस भी हमसे लेते हैं। चलिए मैं आपको अपना जिरोधा का स्टेटमेंट ओपन करके दिखा देता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जरोधा के कंसोल पेज पर ओपन हो चुका हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो चार्जेस एंड टैक्सेस दिया हुआ है वो 2.79K, ठीक है, मतलब कि 2790 रुपये मैंने यहां पर चार्जेस और टैक्सेस दिया हुआ है, मतलब कि ब्रोकरेज दिया हुआ है प्लस उसके साथ साथ जो चार्जेस लगते हैं वो दिया हुआ है। और वो कौन कौन से हैं तो व्यू चार्जेस ब्रेकडाउन पर क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रोकरेज लगा हुआ है वो मेरा लगा है 1359 रुपये, यहाँ पर ब्रोकरेज लगा हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कि एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 163 रुपये दिया हुआ, इंटीग्रेटेड GST 274 रुपये दिया, सेवी टर्नओवर फीस 4.85 रुपीज़ दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो STT हम देख रहे थे वो आपका STT सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स 885 रुपये दिया, स्टैम्प ड्यूटी 107 रुपये दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका केवल हमको पता रहता है ब्रोकरेज के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ ये चार्जेस आपके और भी यहाँ पर लग जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या आपके हिडन चार्जेस हैं जो कि हम लोगों को नॉर्मली पता नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कौन कौन से आपके हिडन चार्जेस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।